चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द एयर ट्रे। तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एयर ट्रे क्या है भाई, ये एयर ट्रे। तो एयर ट्रे के आज मोल्ड के बारे में जानेंगे कि इसका जो मोल्ड होता है वो किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, मोल्ड को किस तरह से हम लोग बनाएंगे। और जैसे कोई कस्टमर है, तो कस्टमर अगर कोई कंपोनेंट को लेके आता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर एयर ट्रे के कंपोनेंट को लेके आया, राइट, ये हम कस्टमर बनाए थे भाई, कोई कस्टमर एक ट्रे के कंपोनेंट को लेके आया, वो चाहता है कि आप उनका मोल्ड को डिजाइन करो, राइट। उस एक ट्रे के कंपोनेंट को मोल्ड को जो आप डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें कस्टमर से पूछेंगे और कस्टमर से हम लोग क्या क्या बातें करेंगे ड्यूरिंग द डिजाइन, तो हम लोग उस चीज को भी जानेंगे अबाउट द बिल ऑफ मटेरियल। और जैसे उसके अंदर हमको उनको कंसेप्ट बताना होता है, कस्टमर को उसको बताना पड़ता है कंसेप्ट कि भाई मोल्ड का कंसेप्ट क्या रहेगा, मोल्ड के अंदर कूलिंग किस तरह से देंगे हम लोग, मोल्ड की प्लेटें, मोल्ड बेस हम लोग किस तरह से बनाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हमको उनको बतानी पड़ती है। तो भाई इस कंपोनेंट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको प्लास्टिक मोल्डिंग का कोर्स अगर करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है भाई। हमारी वेबसाइट जो है वो है educationwood.com, इस तरह से बॉलीवुड होता है ना, bollywood.com, उसी तरह से educationwood.com, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज वाला एक सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, एक कोर्सेज वाला सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं या फिर 3D मोल्ड डिजाइन होते हैं तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो भाई। ठीक, कुछ फ्री कोर्सेस है यहाँ पर, कुछ लेक्चर है, एक दो लेक्चर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और थोड़ा सीख सकते हो, राइट। कोटेशन देना है अगर आप इंडस्ट्री में हो ऑलरेडी, अगर आपको इंडस्ट्री है अगर आपको कुछ डिजाइन का वर्क प्रोवाइड देना है आपको, तो हम लोग आपको डिजाइन का वर्क प्रोवाइड कराएंगे भाई। कोटेशन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ मैकेनिकल जॉब रिलेटेड कोर्सेज है फॉर द स्टूडेंट, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने हैं डिजाइन के एस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पर प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं, राइट। यहाँ से ₹500 का रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें हम लोग 2 दिन का पहले लाइव क्लास प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है कोर्स तो आगे आप फीस पेड करके कर सकते हो। लाइव कोर्स अगर आपको अटेंड करना है तो उसके लिए ये फीस है। रिकॉर्डेड सेशन अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट चाहिए विद स्टडी मटेरियल, तो वो ये फीस है ₹7,500, ओके, ठीक है। डेमो लेक्चर देख सकते हो भाई यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरह से एनएक्स सोनोग्राफिक्स का भी कोर्स अवेलेबल है, ओके, तो यहाँ पर एनएक्स सोनोग्राफिक्स के कोर्स को भी आप बाय कर सकते हो, वन टाइम पेड कोर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक काम करो, कंटेंट देख लो, सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोड, स्लाइडर मोड, लिफ्टर मोड, जंपिंग आउट, ठीक है, अनस्क्रीम मोड, ब्लो मोड, ये सभी आप बनाना सीखोगे विद द कैलकुलेशन, विद द कैलकुलेशन थ्योरी, कैलकुलेशन एंड द डिजाइन, राइट। उसके बाद देखो प्लस टू का भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस टू का सिलेबस भी देख सकते हो, इसी तरह से मोल्ड का, एनएक्स का, किसी का भी सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। आपका भी कुछ कोर्सेस हैं जो बहुत जल्दी इसके अंदर अपलोड हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी बाय कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो, लेकिन अभी कुछ कमिंग सून बता रहा है, राइट। चलिए, तो कुछ टाइम में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द एक ट्रे, जिसके बारे में हमारा लेक्चर है, एक ट्रे के बारे में। चलो एक ट्रे के बारे में पहचानते हैं थोड़ा सा। तो एक ट्रे का कंपोनेंट जो है बेसिकली ये जो है ये किसके लिए यूज होता है भाई, एक को रखने के लिए, राइट, जो हमारे अंडे होते हैं उनको रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, अंडे रखा जाते हैं, ठीक है, अंडे रखा जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट का जो मटेरियल होता है वो होता है पीपी, आप नोट कर लीजिए, जो भी आप मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज नोट कर लीजिए, राइट। जो पीपी का अगर मैं श्रिंकेज की बात करूँ तो 2% आप इसके अंदर श्रिंकेज ऐड कर सकते हो, पीपी फॉर द फूड ग्रेड मटेरियल। पीपी बेसिकली क्या होता है, फूड ग्रेड मटेरियल होता है, राइट, मतलब कोई भी खाने पीने की चीजें हैं तो उसके लिए हम लोग पीपी का इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, आप बोल सकते हो प्लास्टिक मटेरियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कंपोनेंट में कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पीपी इज अ फूड ग्रेड मटेरियल। उसी तरह से पीसी जो होता है ना, पीसी जिसको बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट, और पीपी मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन, तो ये भी जो होता है ये भी फूड ग्रेड मटेरियल होता है, ठीक है। तो फूड ग्रेड मटेरियल जब भी आपको प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह सभी दिखेंगे ना, वो आपको पीपी और पीसी मटेरियल के दिखेंगे भाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि भाई इसका श्रिंकेज इतना है, ये चीज हम लोगों ने उनसे पूछ लिए, उनसे पूछना पड़ेगा हमको, सर आपके पास कितने टनेज की मशीन अवेलेबल है, टन मशीन टनेज आपके पास कितना है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो टनेज है वो कितना अवेलेबल है। तो वो कस्टमर आपसे कहेगा कि सर मेरे पास 100 टन की मशीन अवेलेबल है। 100 टन की मशीन के हिसाब से मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले
सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया। चलिए प्रोजेक्टेड एरिया देखते हैं। यस ठीक है, मैं शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा, लेकिन बशर्त है आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको शुरुआत से चीजें सभी समझ में आएंगी। ओके देखो, तो ये उसका होगा प्रोजेक्टेड एरिया। भाई ये जो प्रोजेक्टेड एरिया मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। इस प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा जिसको बोलते हैं टनेज, राइट। तो इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा एक टनेज का फॉर्मूला है उसके हिसाब से, तो हमको पता चलेगा कि कितने टन की मशीन में ये प्रिपेयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फोर्स आएगा वो आया 80 टन के आसपास। तो बेसिकली वी कैन यूज 100 टन मशीन फॉर दैट। हम लोग क्या है 100 टन की मशीन यूज कर सकते हैं, 80 टन की मशीन का यूज नहीं करना है भाई, क्योंकि 80 टन की मशीन के बाद इसका स्क्रू वाला पोर्शन भी आएगा, रनर वाला पोर्शन भी आएगा, तो वो भी कुछ एरिया को प्रोजेक्ट करेगा, वो भी कुछ एरिया को कवर करेगा। तो 80 टन के ऊपर ही वो चीज होगी, राइट। तो हमको 100 टन की मशीन का यूज करना है, राइट। 100 टन की मशीन का जब हमको पता चल गया, तो 100 टन की मशीन का हम लोग देखेंगे शॉर्ट कैपेसिटी। क्या देखेंगे भाई हम लोग देखेंगे शॉर्ट कैपेसिटी। अब शॉर्ट कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये मान के चलो कितने ग्राम का है, 130 ग्राम का है एग्जांपल, ठीक है, उसका शॉर्ट वेट कितना होना चाहिए, कम से कम 160 ग्राम के आसपास होना चाहिए। मतलब वो कंपोनेंट कम से कम प्लास्टिक का जो कंपोनेंट रहेगा ना, प्लास्टिक का जो मटेरियल रहेगा, वो 160 ग्राम का उसको भर देना चाहिए, तभी तो हम लोग 130 ग्राम का कंपोनेंट आसानी से बना सकते हैं, राइट। है ना, एग्जाम्पल के लिए लिया है ये चीज़ें, ठीक है। मैं आपको पीपीटी में बताऊंगा कि भाई उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। ओके चलो भाई एक काम करते हैं, हमने क्या क्या रहा, सबसे पहले इसके अंदर श्रिंकेज वैल्यू प्रोवाइड कराने के बाद हम लोगों ने इसमें ऑफसेट ले लिया, ठीक है, ये वाला जो है मेरा ऑफसेट ले लिया। चलो यहाँ से इसको हटा के देखो क्या करा है मैंने, इसको ऑफसेट ले लिया है, 0-0 का ऑफसेट ले लिया है। उसके बाद फिर सभी इसको कंपोनेंट को यहाँ से हाइड कर देते हैं भाई, कंपोनेंट को हाइड कर दिया, और उसके बाद इसको कर लिया मैंने पैच। पैच करने के बाद सभी जो सर्फेसेस हैं वो क्या हो गए, क्लोज हो गई, ठीक है। इसको कर देते हैं भाई सीव। सीव करने के कारण क्या होगा कि ये पूरी सर्फेस जो है वो एक सिंगल सर्फेस बन जाएगी। ओके उसके बाद इसको कर दिया ऑफसेट, यहाँ से इसको हटा दिया मैंने भाई, इसको कर दिया मैंने एक स्केच ले लिया। स्केच किसके लिए, फॉर द कोल्ड पैच, फॉर द कोर एंड कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये हुआ लेंथ एंड द विड्थ, ये हुआ लेंथ और विड्थ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारा चैनल, अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर सकते हो। ओके और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो भाई स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो 8871599975 पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और सिलेबस ले सकते हो भाई, शीट मेटल का चाहिए, मोल्ड डिजाइन का चाहिए, या फिर आपको एनएक्स सिलेग्राफिक्स के लिए सही सिलेबस, तो आप उसको ले सकते हो, राइट, ठीक है। तो मोल्ड डिजाइन का कोर्स स्टार्ट है फ्रॉम द 1st दिसंबर 2022। ओके तो मोल्ड डिजाइन का कोर्स अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो, 500 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन फीस है ऑनली, ठीक है, जिसमें मैं आपको 2 दिन का लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। कोई स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं सर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लेते हो आप, देखो बेसिकली क्या होता है कि मुझे 1000 ऑफ स्टूडेंट कॉल करते हैं, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट अगर कॉल करेंगे मैसेज करेंगे, तो मैं सभी को डेमो नहीं प्रोवाइड करा सकता। बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो 1000 स्टूडेंट में से फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, रियल में जो इंटरेस्टेड है, राइट, तो वो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस बैठ करके 2 दिन का लाइव क्लास लेते हैं, राइट। तो रियल में अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो 2 दिन का लाइव क्लास भी लेंगे, उसके बाद वो आगे कोर्स भी करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको मतलब मैं डेमो देने में प्रॉब्लम होती है, डेमो नहीं दे सकता ना 1000 स्टूडेंट को, यू कैन अंडरस्टैंड, मेरे पास तो भाई लिमिटेड ही टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, राइट, इसी कारण से। ओके चलिए भाई हमारे मोल्ड को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा प्लास्टिक का ट्रे है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑफसेट सर्फेस का इस्तेमाल किया है मैंने इसको। चलो अब इसको क्या करते हैं, बाउंड प्लेन कर दिया है, बाउंड प्लेन से देखो अब मैंने इसको क्या करा, पूरा एक सर्फेस क्रिएट कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ, है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं पैचिंग कर लूँ जरा, चलो इसको भी पैचिंग कर लेते भाई। ओके इसको कर लिया मैंने पैच, है ना, दोनों तरफ से मैंने पैच कर लिया, तो ये पूरी क्लोज हो चुकी सर्फेस। ओके यहाँ से मैंने इसको एक्सप्लोर करा शीट में, मैंने एक्सप्लोर करा इसको, ओके शीट पर, और इसको गिरा रखा मैंने बाउंडेड, ठीक है, ये देखो बाउंड कर दिया मैंने, ये क्या हो गई बंद हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल एच करूँ इसको, वो कंट्रोल एच करके अगर देखूँ, तो भाई आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये क्या है, बेसिकली शीट है, अभी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सीव करेंगे तब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इट विल बिकम सॉलिड, देखो कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। ओके चलो भाई आसान था ये तो, ठीक है चलो अब एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं थिकन, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया आपको, वेरी गुड, ठीक है यहाँ से इसको कर देते हैं थिकन,
यहाँ से क्या है कुछ इसको थिकन कर रहा हूँ मैं ताकि उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर सकूँ। ओके उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से रिप्लस बॉडी कर देते हैं कुछ। ठीक है देखो, ठीक है अब देखो यहाँ से ये थिकन कर दिया मैंने, थिकन कर दिया। ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने स्केच लिया, देखो ये रहा स्केच। ठीक है और इसको कर दिया मैंने स्प्लिट, देखो यहाँ से स्प्लिट करा। अब जब मैंने इसको स्प्लिट करा तो इसका हाफ पोर्शन कहाँ चला गया, देखो यहाँ आ गया और इसका हाफ पोर्शन कहाँ चला गया। तो मैं इस हाफ पोर्शन को क्या करूँगा, पीछे ले जाऊँगा भाई, कोर में ले जाऊँगा इसको। ओके देखो इसको मैं पहले पैटर्न कर दिया मैंने पूरे, क्योंकि सभी सभी के इसी तरह से मैंने एक लिया था, एक को मैंने सभी में पैटर्न कर दिया। ओके डेटम पेन ले लेते हैं भाई, डेटम पेन ले लिया। ठीक है इसको कर दिया मिरर, इधर भी करना था देखो इधर भी मिरर कर दिया, और इधर भी मिरर करना है देखो इधर भी मिरर कर दिया, यहाँ पर भी आ गया। ओके इसको कर दिया मैंने यूनाइट, एक पोर्शन को यूनाइट करा, बाकी ये वाले जो दूसरे पोर्शन दिख रहे हैं ना आपको ये कोर के साथ यूनाइट होंगे। ओके चलो ये हो गया, देखो कोर के साथ यूनाइट होंगे। तो मैंने इसको ये वाले पोर्शन को मैंने इतना एक्सप्लोर किया है ताकि मैं उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर सकूँ। ओके उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर सकूँ। चलो भाई सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया सब्सट्रैक्ट। देखो अब मैं ये वाला कैविटी वाला पोर्शन को हटाऊंगा तो कोर वाला पोर्शन आपको देखो किस तरह से दिखेगा, क्लियर हो? यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, देखो ये देखो क्लियर है, कैविटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे देखो किस तरह से नजर आ रहा है। फिर से देखते हैं इसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कंपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो कंपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अभी कंपोनेंट को फिर से मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो देखो ठीक है यहाँ से मैंने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, देखो ये बन के तैयार होगा। अब कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ से हाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये वाला पोर्शन मिला पूरा। ठीक है ये मैंने क्यों दिया है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर 90 चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री जाएगा तभी तो मेरा कंपोनेंट निकल पाएगा यहाँ से, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, क्लियर हुआ? चलो ठीक है इसको कर दिया मैंने राइट, यूनाइट कर दिया, समझ में आया इतना, इतना क्लियर हुआ? ठीक है तो बेसिकली हमारा कोर और कैविटी बनके तैयार हो चुका है, कोर और कैविटी बनके तैयार हो चुका है। ठीक है बाकी के सभी एलिमेंट्स हम लोग बना लेते हैं भाई, बाकी के सभी एलिमेंट्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके ठीक है यहाँ से इसको एक काम करते हैं, व्यू में जाएंगे, लेयर सेटिंग में जाके इसको जरा हटाए दें यहाँ से, ठीक है जिसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। और ये हमारा बनके तैयार हो गया, क्या बनके तैयार हुआ भाई, मोल्ड है ना, थ्री प्लेट मोल्ड। देखो इसके अंदर क्या है, ये टॉप प्लेट हुआ हमारा, ठीक है ये हमारा एक और प्लेट हुआ जिसके अंदर हमारा कौन सा पोर्शन है भाई, इसके अंदर हमारा कौन सा पोर्शन है, हमारा रनर वाला पोर्शन। रनर को यहाँ से हटाते हैं जरा, देखो यहाँ से हटाया ये वाली कैविटी वाली पोर्शन, कैविटी क्लियर है, देखो कैविटी वाला पोर्शन। ओके यहाँ से मैं इसको इसको हटा देता हूँ, ये हमारा स्क्रू पुश। ठीक है इन सभी को हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे इन द इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स भाई, जो हम लोग मोल्डिंग का कोर्स है उसके अंदर हम लोग सभी चीजें डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है यहाँ पर आपको ये चीज दिख रही है, ये बेसिकली क्या है, एयर वेंट है। ये क्या है भाई, एयर वेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लास्टिक कंपोनेंट के ऊपर, मतलब प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका प्राइमरी का डेप्थ। ठीक है ये है हमारा सेकेंडरी वेंट, दिस इज द प्राइमरी वेंट, दिस इज द सेकेंडरी वेंट। ओके तो इस तरह से वो मैंने कितने वेंट दिए हैं यहाँ पर, एक साइड में देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 राइट, इसी तरह से और वेंट होंगे तो इधर भी है यहाँ पर। ठीक है ये वाला जो पोर्शन हुआ, चलो 1 मिनट, ठीक है ये वाला जो पोर्शन हुआ इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको भी इधर ले जाते हैं, ठीक है ये भी हो गया इधर, इसको भी इधर ले जाते हैं भाई। ठीक है इसको भी ले जाते हैं इधर, इसकी आवश्यकता देखिए इधर ले जाते हैं। ये जो हमारा पोर्शन हुआ ये कौन सा पोर्शन हुआ भाई, ये हुआ हमारा कैविटी, कैविटी पोर्शन राइट। ठीक है बेसिकली इसका ओपनिंग कहाँ से होगा, दो जगह से होगा, देखो कहाँ से होगा, ठीक है ये ओपन हो रहा है भाई। बेसिकली ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ से भी ओपन होगा, ठीक है ठीक है ये देखो यहाँ से भी ओपन होगा ये, और ये पीछे से भी ओपन होगा। तो ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है किस तरह से मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्या है ये टूट जाएगा,
जो आपका कंपोनेंट दिख रहा है ये कंपोनेंट दिख रहा है, और जो हमारा ये क्या ये रनर वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या वेस्ट मटेरियल है और ये हमारा कंपोनेंट का मटेरियल है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा भाई ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? बिकॉज ऑफ द थ्री प्लेट मोल्ड। बेसिकली जो हमारे पास मोल्ड है वो क्या है भाई, वो है थ्री प्लेट मोल्ड, दैट्स व्हाई वो वहां से टूट जाएगा। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चलो मैं इसको यहाँ से इधर इधर हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, पहला पोर्शन हटा दिया। चलो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कैविटी वाला पोर्शन। ठीक है ठीक है, अब कोर वाला पोर्शन लेते हैं। देखो ये है हमारा कोर वाला पोर्शन, मतलब जिसको आप फिक्स्ड हाफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको फिक्स्ड हाफ। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ भाई, ये वाले कंपोनेंट की हमको आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ जरा। ठीक है देखो, ठीक है ये देखो, ठीक है ये हो गया हमारा थ्री प्लेट मोल्ड। ठीक है ये क्या है हमारा, ये रेस्ट बटन है, किसको रेस्ट कराने के लिए, हमारी ये जो रिटर्न पिन है उसको रेस्ट कराने के लिए। ये क्या है भाई, हमारी वियर प्लेट है फॉर इंक्रीजिंग द मोल्ड लाइफ, मोल्ड की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये हमारी वियर प्लेट है। ठीक है कुछ कंपोनेंट में आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ भाई, ठीक है ठीक है। बाकी ये हमारा पूरा कंप्लीट मोल्ड बन के तैयार हो गया, इसको कर देते हैं पूरा। ये देखो ठीक है, वायर फ्रेम में देखोगे तो किस तरह दिखेगा आपको, देखो क्लियर है। उसके बाद फिर आप टॉप व्यू में देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये कंप्लीट मोल्ड को डिजाइन करने के बाद हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं कुछ कंसेप्ट या फिर फोटोज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, राइट, फोटोज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंसेप्ट पीपीटी। ओके देखो भाई, इसके अंदर हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम कैसा दिया है, देखो ये हमारी कोर की कूलिंग है, ये हमारी कैविटी की कूलिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोर और कैविटी के अंदर कूलिंग देखोगे आप तो देखो ये इसका क्या है एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ से यू मूव करेगा, राइट, उसके बाद ये टर्न कर लेगा, फिर उसके बाद ये ऐसा मूव करेगा, फिर ऐसा मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और उसके बाद ये हो जाएगा आउट, उसके बाद हो जाएगा ये आउट। ये क्या किसकी कूलिंग हुई भाई, ये हुई कोर की कूलिंग। अच्छा, ये कूलिंग हम लोगों ने इस तरह से क्यों दी है, क्योंकि भाई इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जहां पर हम लोग पाइप को नहीं ड्रिल कर सकते, राइट, जहां पर हम लोग रेडियल ड्रिल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यहां पर हमको इस तरह से इसको घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो कैविटी के अंदर, देखो कैविटी के अंदर ज्यादा एलिमेंट नहीं है, कोर साइड से एलिमेंट ज्यादा आते हैं, जैसे इजेक्टर पिन वगैरह सब तरह से आती, राइट। अब देखो यहाँ से देखिए, ये इसका एंट्री पॉइंट है फर्स्ट। ओके, यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, जैसा मैं रेड वाला पाथ बता रहा हूँ आपको, उस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करने के बाद यहाँ से ये आउट हो जाएगा, जहां से ये इन होगा जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन से ये आउट होगा। ओके, तो ये हमारा कूलिंग है, ये हमारा एक्सप्लोड व्यू है फॉर द मोल्ड, मोल्ड का एक्सप्लोड व्यू हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर ये कैविटी प्लेट दिख रही है, इसमें से ब्लॉक दिख रहा है, इसमें सब लोग एक मोल्ड में लगा हुआ है, राइट। ये हो गया हमारा टॉप प्लेट और ये हमारा एक और प्लेट है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रनर प्लेट बोल सकते हो। ठीक है, उसके एजेक्टर प्लेट, एजेक्टर बैक प्लेट एंड द बॉटम प्लेट, हियर इज द कोर प्लेट, हियर इज द कोर प्लेट। ठीक है, ये कंपोनेंट है ऑफ द फीड सिस्टम। ठीक है, पिन पॉइंट गेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, थ्री प्लेट मोल्ड में यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं भाई, ऑटोमेटिक इजेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ बेसिक डायमेंशन हम लोग कस्टमर को बताते हैं, तो जो बेसिक डायमेंशन है वो आपका ये है। ठीक है, ये वाला डायमेंशन देखो तो आपको ये वाला डायमेंशन मिलेगा, राइट, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस विल बी 177.5। ठीक है, हियर यू विल फाइंड 180। ओके, हियर दिस इज द सेक्शन व्यू। ठीक है, सेक्शन व्यू में आपको नजर आ रहा है कि यहां पर सेक्शन व्यू में आपको मैं कुछ डायमेंशंस बता रहा हूं, थिकनेस एंड द कूलिंग का आपको मैं बता रहा हूं कि एक कूलिंग से लेकर दूसरे कूलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड कूलिंग का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैंडर्ड कूलिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डायमीटर का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भाई S7 है, S7 इज द फिटमेंट, S7 जैसे इज द फिटमेंट। ओके, चलो स्पेसिफिकेशन देखें कुछ मोल्ड का, देखो कुछ मोल्ड का स्पेसिफिकेशन है, मैंने तीन स्पेसिफिकेशन दिए। ठीक, कंपोनेंट का जो वेट है वो 130 ग्राम का है, 130 ग्राम का, राइट। मोल्ड का जो वेट है वो कितना है भाई, 520 kg का है, मोल्ड थोड़ा बड़ा बन रहा है, मोल्ड थोड़ा बड़ा बन रहा है, 520 kg का है। उसके बाद देखो मोल्ड की जो शट हाइट है वो कितना है, 370। मोल्ड की शट हाइट का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से
आपका है हो गया टॉप प्लेट, या हमारा हो गया कैविटी प्लेट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पूरा प्लेट हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेसर ब्लॉक, ये हो गया स्पेसर ब्लॉक। और उसके बाद फिर से मैं बॉटम प्लेट ले लेता हूँ, ये हमारी बॉटम प्लेट होगी। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इन क्लोज कंडीशन, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं शट हाइट, इसको बोलते हैं शट हाइट ऑफ द मोल्ड। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली तो दिस पीपीटी, यहाँ पर एक नोट डाल दिया भाई कि दिस पीपीटी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मोल्ड टूल कंप्लीट। ठीक है, बॉम, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर कंप्लीट पेमेंट, भाई पेमेंट वगैरह हो जाती है उसके बाद हम लोग बॉम बॉम प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखो बॉम बॉम बताया था आपको किस तरह से बॉम बनता है। बॉम मतलब फूटने वाला बॉम नहीं है भाई, बॉम मतलब बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, राइट। देखो ये है हमारा कंपोनेंट, ठीक है, मोल्ड का यहाँ पर हम लोगों ने बताया साइज, क्वांटिटी कितना है एक, यहाँ पर क्या होगा कंपोनेंट का नेम हुआ। ठीक है, बेसिक चीज बता रहा हूँ। टूलिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोगों को बॉम देना पड़ता है, बिल ऑफ मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कैविटी, सिंगल नंबर ऑफ कैविटी। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का हम लोग साइज दिया हुआ है। देखो टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, फोर प्लेट, कैविटी प्लेट इसका नेम नेम है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर साइज दिया हुआ है 500। ठीक है, 500 यहाँ पर क्या होगा, लेंथ हुआ, ये विड्थ हुआ और ये हाइट हो गई, लेंथ हुआ, विड्थ हुआ और ये हाइट हो गई। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है भाई, वन है, वन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्पेसर ब्लॉक कितनी है, क्वांटिटी दो है। ठीक है, ये इसका साइज है। ओके, जिससे हम लोग क्या है, जैसे कस्टमर जो है वो मटेरियल बुलवा सकता है, भाई मटेरियल कितना चाहिए हमको, तो पाँच पाँच एकदम एक्स्ट्रा बुलवाएगा ताकि वो मशीनिंग पर चला जाए, राइट। इसका ही मटेरियल है भाई, MS यूज करते हैं इनके लिए। फॉर द कोर एंड कैविटी वी यूज P20 मटेरियल व्हिच इज मोर हार्डन देन द MS material, ठीक है, EN353 and the EN31 we can use for the guide pillar and the guide push, guide pillar और guide push के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ basic basic information भैया यहाँ पे जान लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, learning is very important thing। ठीक है भाई, लो कैटेगरी हमारा MS material की होगी, स्क्रू पुश हमारा P20 material का होगा। ठीक है, डॉवल पिन स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, गाइड पिलर हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे। अगर हार्डनेस की बात करें तो क्रम बनाएंगे इस तरह से, देखो MS पहले हुआ, MS कम हार्ड हुआ। ठीक है, उससे ज्यादा हार्ड कौन सा हुआ, उससे ज्यादा हार्ड हुआ C45, उससे ज्यादा और हार्ड क्या हुआ, वो है P20। इससे और ज्यादा हार्ड क्या हुआ, वो H11 और H13 और H13। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, बेसिकली तो लोहा होता है, बेसिकली क्या होता है, लोहा होता है। क्लियर हुआ, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया अबाउट द एक ट्रे मोल्ड भाई, ये एक ट्रे मोल्ड अगर आपको बाय करना है, अगर ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में हो, अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, तो आप इसका लेटेस्ट जो वर्जन है, जो प्लास्टिक एक ट्रे है, उसका भी आप मोल्ड ले सकते हो भाई, वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वेबसाइट में मैंने आपको एक बार बताया था। ठीक है, देखो ये सभी इंडस्ट्रियल कोर्सेस हैं, यहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हो भाई, लाइव क्लासेस के लिए फॉर द मोल्ड डिजाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसमें 2 दिन का पहले आपको मैं लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 3D CAD डिजाइन। ठीक है, चलो यहाँ से इसको हटाते हैं जरा सा, 3D CAD डिजाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन देगा आपको गेट अ क्वोट फॉर अ न्यू डिजाइन वन, भाई न्यू डिजाइन वन के लिए कोटेशन देना है, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके दे सकते हो। और ऑलरेडी जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, देखो ऑलरेडी जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, उसको आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। डायरेक्ट थोड़े टाइम बाद कुछ नोटिफिकेशन भी आ जाएगा मशीन डिजाइन वन के लिए, तो यहाँ से भी गेट अ क्वोट में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ पर गेट अ कोटेशन वाला सिस्टम है, तो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, ये कोटेशन के लिए आपका फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको देना है, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन वर्क, HPDC डिजाइन, शीट मेटल डिजाइन, जो भी आपको करवाना है उस पर आप टिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड कंपनी नेम डालोगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी फाइल है उसके रिगार्डिंग अबाउट द इमेज, और आपको फॉर एग्जाम्पल एक्सटी और स्टेप फाइल है कंपनी की, तो वो आप उसको कर सकते हो, अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कोड करके आप कर लीजिए, तो आपको एक कोटेशन मिल जाएगी फॉर दैट वर्क। ठीक है, चलो तो ये कुछ आसान सी चीजें थी। ठीक है, ऑफकोर्स तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर द मोल्ड डिजाइन कोर्स, स्टार्ट फ्रॉम द 1st December एंड द शीट मेटल कोर्स ऑल्सो हैज बीन स्टार्टेड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए
दोस्तों, बाय।